अभी मैं एक क्यूब ड्रॉ करने जा रही हूँ। ऐसे क्यूब्स में 4 ड्रॉ करूँगी जिसको मैं पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 एंड पार्ट 4 में डिवाइड करूँगी एंड आप लोगों के पास वीडियो भी चली जाएगी। एंड फर्स्ट क्यूब में हम क्या करेंगे, फ्रंट की तरफ लाइट देंगे एंड बैक की तरफ ये शैडो होके गिरेगा। तो इस क्यूब में हम वही दिखाएंगे जो कि पूरा 3D लुक आएगा। तो उसे ड्रॉ करने के लिए पहले हम एक ट्रांसपेरेंट क्यूब ड्रॉ करेंगे एंड जो पार्ट मैं आपको डिवाइड करके दिखा रही हूँ उस पार्ट को हमें मिटा देना है। देखो मैं मिटा भी दे रही हूँ उसी पार्ट को। हाँ ज़रूर ये बात याद रखना, मार्किंग पेंसिल H की आती है, तो मार्किंग पेंसिल को यूज़ करने के बाद हम ड्रॉ 2B पेंसिल से करेंगे एंड शेडिंग जो है 4B पेंसिल से करेंगे। मिटा देने के बाद मार्किंग पेंसिल से हम थोड़े से सेटल कर लेंगे। आपको एक मार्किंग पेंसिल भी चाहिए होगी ताकि वो पतले लाइंस ड्रॉ कर सकें आप। तो हम लेफ्ट साइड से राइट साइड तक हम एक शैडो क्रिएट करेंगे ताकि वो रियल लगे एंड इसे शेडिंग हम करेंगे डार्कन से लाइटन तक। यहाँ पे मैं शेडिंग करने के लिए 4B पेंसिल यूज़ कर रही हूँ। ध्यान में रखना मैं जैसे कर रही हूँ आपको ठीक वैसे ही करना है। शेडिंग करने के बाद हम ब्लेंडिंग स्टंप के मदद से हम उसको ब्लेंड कर देंगे एंड ध्यान रखना ब्लेंडिंग स्टंप को यूज़ करते हुए आपको ज़्यादा डार्कन नहीं करना है। जब आप ब्लेंडिंग स्टंप यूज़ करोगे तो वो अपने आप डार्क होता जाएगा एंड ब्लेंड होता जाएगा, तो आपको डार्कन नहीं करना है। धीरे धीरे से आपको उसको ब्लेंड आउट करना है एंड एक तरफ आपको लाइटन रखना है। अभी हम क्यूब के सेकेंड साइड में शेडिंग करना शुरू करेंगे एंड ऊपर से नीचे की तरफ आएंगे। ऊपर डार्कन होगा, नीचे लाइटन होगा। सॉरी मैं मिस कर गई थी, यहाँ पर भी मैं शेडिंग करने के लिए 4B पेंसिल का ही यूज़ कर रही हूँ। जैसे मैंने शेडिंग किया ठीक वैसे ही आपको भी शेडिंग करना है। अभी लेफ्ट की तरफ थोड़ा सा डार्कन रख देंगे ताकि वो थोड़ा ब्लेंड होने के बाद अच्छा दिखे। अभी मैं ब्लेंडर की मदद से उसको ब्लेंड कर रही हूँ। ब्लेंडर से ब्लेंड करते हुए मैं नीचे की तरफ आऊँगी एंड राइट साइड के जो कॉर्नर में उसको मैं वाइटन अप छोड़ दूँगी, पूरा लाइटन ब्राइटन छोड़ दूँगी उसको। थोड़ा सा हल्का कलर के साथ हल्के से ब्लेंड करूँगी ताकि वो वाइट दिखे। अभी हम फाइनली फ्रंट साइड में आ चुके हैं, फ्रंट साइड ऑफ क्यूब। अभी क्यूब को हम नीचे से शेडिंग करते हुए ऊपर तक जाएंगे एंड बीच वाला जो पार्ट है उस पार्ट को हम थोड़ा लाइट शेड कर रखेंगे। अब हम नीचे से ऊपर की तरफ देखते हुए जाएंगे इस क्यूब के शेडिंग को। अभी मैं यहाँ 4B पेंसिल का यूज़ कर रही हूँ एंड
ब्लेंडर यूज़ कर रहे हैं तो वो जब ब्लेंड होती है तो वो थोड़ा डार्कन अप हो जाता है, वो थोड़ा डार्क हो जाता है, तो डार्क शेड का हो जाता है। तो उसके हिसाब से आपको हैंडल करना है कि पेंसिल को कितना रब करूँगी तो वो डार्कन अप ज़्यादा नहीं होगा। तो पेंसिल को जितना हो सके लाइटली यूज़ करो जब आप ब्लेंडर यूज़ करते हो, तब जब अगर डार्कन नहीं हुआ तो आप बाद में यूज़ कर सकते हो, लेकिन आपने अगर डार्कन अप कर दिया उसके बाद ब्लेंडर आप यूज़ कर रहे हो तो वो ड्राइंग ख़राब हो जाएगी। तो मैंने इसीलिए ही आपको ये वीडियो बनाया कि मैं ब्लेंडर की टेक्सचर आपको दिखा सकूँ। मैं ब्लेंडर को यूज़ करते हुए वो जो मिडल का पार्ट है उसको वाइट रखूँगी एंड चारों तरफ ब्लेंडर को स्मूदन अप करूँगी। ध्यान में रखना मैं जैसे कर रही हूँ वैसे ही करना है। राइट साइड के कॉर्नर में अभी मैं एक छोटा सा लाइन ड्रॉ करूँगी एंड यहाँ पर मैं हाईली रिकमेंड करूँगी कि मैं यहाँ पे 6B पेंसिल यूज़ कर रही हूँ। ध्यान से आपको भी 6B पेंसिल ही यूज़ करना है क्योंकि शेडो जो है वो थोड़ा डार्क होगा। ये मैं अपने शैडो को जो क्यूब का जो शैडो है उसको ब्लेंड कर रही हूँ। आपको पूरा क्यूब 3D में दिख रहा होगा एंड दिस इज़ द फाइनल लुक ऑफ द क्यूब एंड यही आपको ड्रॉ करना है।